माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और बच्चों आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज दो विशेष बात करनी है। आप देख रहे होंगे घर परिवारों में बच्चे कमजोर हो रहे हैं और खास तौर से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मैं आपको कुछ पेरेंटिंग टिप दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारी यहाँ रेखाएं होती हैं, कलाई में जो रेखाएं होती हैं जिसे मणिबंध कहते हैं, ये रेखाएं हमारे जीवन की गति को किस प्रकार से बताती हैं, क्या संकेत हैं इन रेखाओं के, और इसे जांचना समझना बहुत आसान है। तो हम इन रेखाओं की आज बात करेंगे और साथ ही साथ आपके बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हों उसकी हम लोग बात करेंगे। ये आपका पूरा हाथ, यहाँ से कलाई शुरू हो जाती है, ठीक, ये हाथ हो गया, यहाँ से कलाई शुरू हो जाती है और जहाँ से कलाई शुरू होती है वहाँ का ये स्थान और वहाँ के ये वाले स्थान की रेखाएँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये जीवन में कभी कभी बहुत कुछ देती हैं। और जब ये रेखाएँ अपने पूर्ण यौवन पर हों, जब ये रेखाएँ देने पर आ जाएँ, तो समझ लीजिए कि ये रेखाएँ जिसके हाथ में हों वो व्यक्ति सामान्य मेहनत से भी बहुत ऊंची पदवी हासिल करता है और वह गुणों से भरा हुआ होता है। लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आपका ये वाला स्थान ऊंचा उठा हुआ है और इस स्थान में ये और इस स्थान में, यानी हथेली का ये वाला स्थान यदि आपका बहुत उठा हुआ है और मणिबंध और इसके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से इसको देखिए कि ये वाला स्थान, किसी भी व्यक्ति का ये वाला स्थान, अगर ये वाला स्थान ऊंचा है लेकिन यहाँ पर ये गड्ढा सा आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके एक कदम आगे चलता है। फिर समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला स्थान यानी हथेली के एकदम नीचे वाला स्थान यदि उठा हुआ है और ये जो गैप है, ये बहुत छोटा सा गैप होगा इस स्थान और जहाँ से कलाई शुरू हो रही है उसके बीच में, अगर यह गैप दबा हुआ है तो यह दुर्भाग्य लाता है, और अगर बहुत ज़्यादा दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन केवल ब्रेड अर्नर बन के रह जाता है। उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते, मिलते भी हैं तो उन मौक़ों का वह इस्तेमाल नहीं कर पाता और सारे जीवन संघर्ष से निकलता है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न वही आ जाता है कि कैसे फाइनल मान ले, बिल्कुल भी नहीं, उससे बचा जा सकता है। यानी अगर ये स्थान ऊंचा है और यहाँ पर ये थोड़े से गड्ढे के उपरांत कलाई प्रारंभ होती है, तो आप निश्चित रूप से अपने दुर्भाग्य से बच सकते हैं। हाँ, कठोर प्रयत्न करने की आवश्यकता है उसके लिए, और ये कठोर प्रयत्न आपके उपाय होंगे, चमत्कार नहीं, तो इसके उपाय बताऊंगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो तीनों मणिबंध की रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं और किस हाथ से उसमें क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है। तो चलिए फिर से बातचीत शुरू करते हैं। मैं मणिबंध की रेखाओं के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा और ये बड़ा विलक्षण विज्ञान है, इससे आपको अपने भविष्य के प्रति बहुत सारी आशाएं और संकेत मिलेंगे। यह है आपकी पहली रेखा, मणिबंध की ये पहली रेखा है। ये रेखा जितनी सीधी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतना अच्छा है। जिन हाथों में ये रेखाएं होती हैं वह भूखे कभी नहीं मरते, ये तय है। ये जरूर हो सकता है कि वह संघर्ष की स्थिति में रहे या कहीं कोई परेशानी में रहे, लेकिन भूखा कभी नहीं मरेगा और ऐसा व्यक्ति इज्जत से अपना धन कमा कर खाएगा और उत्तरोत्तर जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा उसकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ये रेखा यदि सीधी ना होकर इस प्रकार श्रृंखला में है, चेन टाइप में बंधी हुई है, ये देख रहे हैं, ये श्रृंखला में बंधी हुई है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, बुरी नहीं है, लेकिन जो संघर्ष की स्थिति है ये ज़्यादा समय तक रहेगी और ऐसे लोगों का काया पलट 40 के बाद होता है, 42 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, लेकिन होगा 40 के बाद। तो ये श्रृंखलानुमा रेखाएं इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर एक ये सीधी रेखा है तो
तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत मेहनत के साथ तो गुजरता है, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलती है और वो भी स्वाभिमान के साथ, और बुढ़ापा आते आते वह व्यक्ति वेल टू डू हो जाता है। अब एक रेखा यदि मान लीजिए आपके हाथ में ऐसी आ जाए तो क्या कहने। अगर ये रेखा आपके हाथ में आने लग गई है, ये चाहे आधी भी आ गई है, इतनी आधी भी आ गई है ये रेखा, तब भी इसका मतलब है कि आप सामान्य से बेहतर जीवन बिताएंगे। ये जरूर है कि बहुत संघर्ष होगा, लेकिन ये भी तय है कि आपकी स्थिति आपके घर परिवार में अन्य स्थितियों के मुकाबले हीन नहीं होगी बल्कि बेहतर ही होगी। यानी अन्य लोगों की जो स्थिति आपके घर परिवार में है उससे आप 19 नहीं होंगे, 20 ही होंगे। और अगर ये रेखा पूरी हो गई है तो फिर क्या कहना, फिर तो ये सीधा सा संकेत जा रहा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में और आप बहुत भाग्यशाली हैं, और साथ ही साथ आपको राजाओं का सपोर्ट मिलेगा। आज के दौर के राजा, उनका सपोर्ट मिलेगा या आप स्वयं राजाओं जैसी स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक और बहुत खास रेखा है, अगर वह आपके हाथ में है तो समझ ले लॉटरी लग गई। तो अब मैं वो रहस्य आपको खोलता हूं, वो लॉटरी वाली रेखा कौन सी है, चलिए जानिए और देखिए वो रेखा कौन सी है। वो रेखा है ये, यानी यदि आपके मणिबंध में ये तीन रेखाएं हैं और ये तीनों पूरी हैं तो समझ लीजिए जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने क्षेत्र में पूरी दुनिया में सिरमौर होंगे, राजा होंगे आप अपने क्षेत्र के, और आपसे लोग प्रभावित होंगे और पूरी दुनिया के लोग प्रभावित होंगे। अगर ये तीनों रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं पूरी हैं और ये श्रृंखला के रूप में नहीं है, तो ये तय मान के चलिए वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य बहुत उच्च कोटि का होगा और आप राजसी ठाट बाट से रहेंगे और लोग आपसे कतार लगाकर मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसी दैवीय कृपा आप पर होगी, मनुष्य के हाथ में तो ये सब है ही नहीं, ये तो ईश्वर की कोई विशेष कृपा होती है तभी ऐसा होता है। मान लीजिए अब ये रेखा पूरी नहीं है, आधी, तो क्या होगा, फल मिलने में देरी हो जाएगी। कितनी देरी, 36, वही स्थिति 36 के बाद। और ये रेखा अगर पूरी है तो वह स्थिति कब से, 20, 22, 23, 24 साल, मैक्सिमम 24 साल। अच्छा, अगर ये रेखाएं हमारे हाथ में नहीं है तो क्या हम कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं, आपको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। अगर कर लिए तो ये रेखाएं आपको हाथ में बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो उपाय क्या है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। और अब गुरुमंत, पहली चीज, यदि हाथ में मणिबंध नहीं है तो दो उपाय हैं जिनकी वजह से आपको उतना ही सुख और सौभाग्य मिल सकता है। पहला, इष्ट की साधना। अगर आपने इष्ट की साधना कर ली तो कुंडली के बुरे से बुरे योग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरा है सूर्य की साधना। सूर्य की साधना में केवल ऐसा ही नहीं कि आपको सूर्य का जल देना है या कोई एक यज्ञ कर लिया, बाकायदा साधना, सूर्य क्रिया जो आपको सीखनी होगी और उसका जीवन पर्यंत पालन करना होगा, सूर्य को जल देना होगा और एक यज्ञ आपको लेना होगा, ओम खकोलकाय स्वाहा, यह रोज करना होगा और जिस दिन समय मिले उस दिन आहुति बढ़ा दीजिएगा। ये उपाय करने से आप उतना ही सौभाग्य कम संघर्ष से प्राप्त करेंगे। और अब बात आती है उन बच्चों की जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, तिल के तेल की मालिश करना शुरू करें, कैल्शियम का सेवन कराना शुरू करें और ऐसे बच्चों को शारीरिक श्रम अवश्य कराएं। जिनके हड्डियां कमजोर होती हैं वह शारीरिक श्रम सामान्यतः नहीं करते, कुछ करते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को दौड़ना भागना ज़रूर सिखाएं। उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स बेहतर होती हैं और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो ये दो उपाय करने से बच्चों की हड्डियाँ ठीक होंगी।